गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। सो ये देखिए दित्या की पहली विजिट हो रही है अपनी नानी के घर आने के बाद। गेस व्हाट, कहाँ पे? डॉक्टर के यहाँ। नानी की कार से जा रही है अपनी घूमने, लेकिन कहाँ पे जा रही है? डॉक्टर के यहाँ। लाइक सीरियसली पहली बार दित्या को हमें सोचा कि यहाँ लेके जाएंगे घुमाने के लिए, वहाँ लेके जाएंगे, बट उनको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ा है क्योंकि अभी हमें 3 दिन हुए ही है जस्ट, और आज थर्ड डे ही है और बेटों को लूज मोशन टाइप हो रहे हैं, तो शायद पानी चेंज हुआ है इस वजह से। प्लस यहाँ का एक तो पानी चेंज हुआ है, प्लस वेदर यहाँ का बहुत चेंज है। बरेली में तो लिटरली उतार रही हूँ मैं आपको, पंखे में भी मतलब गर्मी से लग रही थी, ऐसा लगता है एसी खोल ले क्या करें, और यहाँ तो फैन बंद करना पड़ जाता है, इतना ठंडा हो रखा है मम्मा का रूम। और प्लस एक तो वेदर चेंज हुआ है, प्लस पानी चेंज हुआ है। हालांकि आरओ का पानी ही होता है, लेकिन मे बी शायद पीएच टीडीएस वगैरह डिफरेंस होगी या जो भी रीजन रहा हो। और हमने उसको अच्छे से बॉयल भी कर रखा था, मतलब खूब पानी बॉयल करके ही पिलाती हूँ बच्चों को, लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। तो बेसिकली उनके पापा बोले कि देर मत करो कामा का, और देर करने से क्या है ना, अगर पानी से प्रॉब्लम बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी बेटी मेरी, और वैसे भी कमजोरी इतनी ज़्यादा है, और ज़्यादा अगर देर कर दी तो कमजोरी हो ही जाएगी। तो इसलिए फिर हम जा रहे हैं एमडीए में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे, बेसिकली चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही हैं वो, तो मामी ने बताया है मेरी। तो एट ऑफ सडन ही प्रोग्राम बना, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट कर लेती हूँ आज का। तो मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि हमें उनको जाना है क्लिनिक पे लेके, और वहाँ से फिर हमने सोचा कि जब क्योंकि बाहर आ ही गई हैं तो उनकी पहली विजिट को हम इतना ज़्यादा ऐसे वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो डॉक्टर के क्लिनिक के पास में ही विशाल मेगा मार्ट पड़ेगा अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे भी बोलूँगी। हालांकि फर्स्ट ट्राई और हॉपस्कॉच ये सब इनका एमडीए में ही है, लेकिन वो राइट हैंड पे जाके अंदर को पड़ेगा और हमें स्ट्रेट जाना है, तो हम सोच रहे हैं कि वो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने एक छोटा सा प्लान कर लिया कि हम वहाँ पे भी जाते हैं। तो फटाफट से रेडी हुए हैं गाइज, यू वॉन्ट बिलीव, विद इन 10 मिनट्स बस ऐसे रेडी हो गए फटाफट से, क्योंकि इनका नंबर लगवाया मैंने। 7:30 बजे का नंबर था इनका क्लिनिक पे, और 7:30 बज चुका है, अचानक से प्रोग्राम बन गया कि डैडी बोला कि मैं दवाई ले आई थी सुबह इनके लिए पास के ही डॉक्टर से, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हमारे फैमिली डॉक्टर, लेकिन स्टिल इनके पापा बोले कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा दो एक बार, इससे कि और प्रॉब्लम ना हो, सुबह तक बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए मम्मा के पास से। सो या गाइस क्लिनिक पहुँच के मिलती हूँ। हॉस्पिटल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर सुरभि, उनके आए हैं पेंटालूंस के ठीक सामने यहाँ पे एमडीए में, तो बच्चों का बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, मामी ने बताया था मेरे। तो बस मम्मी और भाई आ रहे हैं गाड़ी पार्किंग पे लगा के, गाड़ी पार्क करके तब तक मैं यहाँ पे खड़ी हुई शूट कर रही हूँ। बहुत अच्छे अच्छे शोरूम खुल गए यार इस साइड, तो मैं लाइक कितने साल बाद आई हूँ, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा मैं कितने साल बाद आई हूँ इस तरफ इस रोड पे। बहुत अच्छे अच्छे शोरूम खुल गए हैं। बैग मत लाती अभी तो, अच्छा हाँ दवाई भी है, चलो गाइस ये देखिए भाई डॉल को लेकर। दित्या को डॉक्टर को दिखा दिया हमने, डॉक्टर को दिखाने के बाद अब हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि जस्ट बराबर में वो भी था विशाल, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। भाई कार पार्किंग से कार लेने गया था, और उसके बाद अभी आप देखेंगे आगे के डॉक्टर ने क्या बताया दित्या के लिए, बट अभी हम फिलहाल जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने। हमारे डॉक्टर के क्लिनिक के जस्ट बगल में था विशाल मेगा मार्ट, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं दित्या को घुमा के लाऊं। सो इट्स फर्स्ट दित्याज फर्स्ट शॉपिंग एवर, जब से दित्या हुई है जब से पहली बार अपनी शॉपिंग करने आई हैं, घूमने आई हैं, तो आज दित्या को हम लेके जा रहे हैं शॉपिंग करवाने के लिए। बाकी डॉक्टर ने क्या कहा मैं घर पहुँच के बताऊंगी आप लोगों को, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो इट्स जस्ट सम काइंड ऑफ स्मॉल सेलिब्रेशन ऑल्सो। सो विशाल, ये दित्या ने एंट्री की भैया, हेलो किस सेक्शन में चलो पहले, हाँ किस में चलो, मुझे तो आई थिंक से बड़ोगा
सवा नौ और हम विशाल से लौट रहे हैं। सिर्फ ग्रोसरी का सामान लिया था मम्मी ने अपने घर वर के लिए, बाकी ऐसा हमने कुछ नहीं लिया बिकॉज कलेक्शन इज लाइक जीरो जीरो कलेक्शन था। बेबी के लिए भी कुछ नहीं मिला मुझे, मैं फर्स्ट ट्राई हॉपस्कॉच ही जाऊंगी, यहाँ से तो कुछ मिला नहीं। और सोचा था कि बेबी के लिए कुछ ले लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मैं हेयर बैंड क्लिप्स और ये सॉक्स वगैरह सोच रही थी लेने की, बट कुछ नहीं था अच्छा विशाल में। बस यही है ग्रोसरी का सामान अच्छा मिल जाता है तो वो आप ले सकते हो। इवन फीमेल कलेक्शन मैंने अपने लिए भी देखा कुछ, लेकिन कुछ भी ढंग का नहीं था, तो फिर इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं लिया। बस बेटों के लिए भी कुछ नहीं लिया, बस ग्रोसरी का सामान लेके हम लोग चले आए हैं और हम लोग घर जा रहे हैं। दैट्स इट, इतना ही हुआ। बाकी घर पहुँच के बताती हूँ कि डॉक्टर ने ऐसा क्या बोला है बेबू के लिए, लेकिन हाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ऑल इज ओके। बड़ा बात कितने का फैमिली पैक, वो तो वो होगी मिली नहीं क्या, ब्रेक है ब्रेक ब्रेक हाँ ब्रेक वाला ब्रेक वाला ब्रेक ब्रेक वाला 95 का ब्रेक ले लूँ, दे दो दे दो एक ब्रेक दे दो, एक कप दे दो 10 रुपए वाला। इतना मन कर रहा है ना आइसक्रीम खाने का बस, और मुझे तो मेरा फेवरेट है वनीला, आई जस्ट लव आइसक्रीम। मेरा प्रॉपर सॉलिड है ना, हम हॉस्पिटल से आके बैठ गए हैं, ललित को डॉक्टर को दिखा के आ गए हैं और विशाल से थोड़ी शॉपिंग करके लाए हैं ग्रोसरी वगैरह की, जैसे मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली डॉक्टर ने क्या बोला है वो मैं बताती हूँ आपको। तो बेटी को हमारी लूज मोशंस की प्रॉब्लम थी आज सुबह से, तो हम डर गए थे बहुत ज़्यादा। तो हमने सबसे पहले तो अपने घर के पास से ही मेरी यहाँ मामी रहती है, मामी के साथ जाकर अपने फैमिली डॉक्टर से दवाई ले ली थी। तो सुबह से बस एक ही खुराक दे पाए थे उसको बेटू को अपनी, और एक ही खुराक में इतना फ़ायदा हुआ मतलब कि हाँ शाम से इनको लूज मोशंस जो हैं थोड़े बेटर हो गए पहले से, लेकिन शाम तक आए मैं उस, और वो कैसे लूज मोशन आ रहे थे कि मैं इनको फीड करवा रही थी और फीड करवाते ही तुरंत ही इनको लूज मोशन हो रहे थे। तो हाँ हाँ ठीक है पी लो। तो फिर ये प्रॉब्लम इनके साथ हो गई थी, तो फिर मैंने इनके डैडी को बताया, तो वे बोले फैमिली डॉक्टर की दवाई ठीक है लेकिन जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है एक बार इनको दिखा दो एक बार, सो दैट कोई टेंशन ना रहे क्योंकि वो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं बेबी को लेकर। तो यहाँ पे जो बेस्ट है, हाय मेरा बच्चा, तो फिर जो बेस्ट डॉक्टर हैं यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट एमडीए में हैं डॉक्टर सुरभि फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर, हम उनके पास गए थे और बेटू को दिखा के आए हैं। तो बेसिकली उन्होंने बस यही बताया कि ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लूज मोशंस हो जाते हैं बेबी को, टेंशन तब होती है जब आपके स्टूल का कलर चेंज हो, बेबी के पुप का कलर चेंज हो जाए, या फिर यू नो टॉयलेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आना बंद हो जाए या फिर कम हो जाए, या फिर बेबी बहुत लूज पड़ जाए, तो ये सब टेंशन की बात है। बट इट्स ओके अगर ऐसा लूज मोशन है, तो अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ी टेंशन वाली बात होती है, बट अभी फिलहाल कोई इतनी टेंशन नहीं है। तो एक तो उन्होंने यही बोला और बोल रहे थे कि आप मुझसे पूछा उन्होंने आप फीड कौन सा करवाती हैं, मैंने कहा कि मैं डिब्बे वाला दूध पिलाती हूँ फॉर्मुला बेसिकली। तो उन्होंने बोला फॉर्मुला मिल्क को आप बॉटल में, मतलब बॉटल को कितनी बार बॉयल करती हैं, तो मैंने कहा कि बॉटल को बॉयल करने के बाद तो एक बॉटल से मैं 2 से 3 फीड करवाती हूँ, उसके बाद उसके बॉटल को बॉयल कर लेती हूँ। तो वो बोले 2 से 3 फीड करवाती हैं, ये भी आप बहुत गलत कर रहे हो, आपको आपको बॉटल बॉयल करके एक बॉटल से एक ही बार में फीड करवाना है बस, फिर नेक्स्ट फीड के लिए आपको दूसरा बॉटल लेना है, एक बॉटल से 2 फीड भी नहीं करवानी है, 3 तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने कहा ठीक है भैया आपसे हम तो 2 से 3 करवाते थे, 3 मैक्सिमम होता है मेरा, वरना 2 या मैक्सिमम 3, वैसे मैंने इनकी 3-4 बॉटल्स कर रखी हैं, तो मैं बॉटल्स की क्वांटिटी और बढ़ा दूंगी और एक बॉटल से एक ही बार फीड करवाऊंगी अब बाबू को, है ना ठीक है। अब डॉक्टर ने मना कर दिया तो अब नहीं करेगी मेरी बाबू बच। मैं बेबू को फीड करवा रही हूँ और फीड करवाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे डिनर करेंगे। आज मम्मी ने बनाई है पनीर की भुर्जी और पुलाव, तो अब हम खाएंगे पनीर की भुर्जी और पुलाव। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मन तो कर रहा था भारी कुछ खा लो, फिर घर पे मम्मी का कल फास्ट होगा, भाई का कल फास्ट होगा बिकॉज नवरात्र हैं कल से, तो खाना बर्बाद चला जाता जो घर पे रखा हुआ था। हाँ हाँ बाबू, तो फिर सारा खाना वेस्ट चला जाता है, चक्कर में हमने कहा घर पे आके खाएंगे। तो अभी बस बेबी को फिट करवा के फिर हम लोग डिनर करेंगे। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है यार, बज रहा है 9:30 बज रहा है, 10 बज गया। चलो गाइस सो ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं जिस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो शाउट आउट जो कि मैंने बोला था लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में कि आप लोग को कमेंट करके बताना है इस वाले ब्लॉग में, देख लीजिए ये ब्लॉग था जिसमें दित्या और मेरी पैकिंग हम लोग कर रहे हैं, और मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन बता सकता है इस ब्लॉग को देखकर कि मैं और मेरी बेटी कहाँ जा रहे हैं, हम लोग किस चीज़ की पैकिंग कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसने कमेंट गलत किया, लाइक जितनी भी कमेंट्स आई हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 समथिंग, तो मैं आपको बता दूं कि 26 के 26 लोगों ने बिल्कुल सही बताया है और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सोच रही थी यार
बस तो मैं शॉर्ट आउट देना ही था हुआ, तो मैं स्क्रीन शॉट यहाँ पे लगा दूँगी आपके कमेंट्स का। इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे किन किन ने कमेंट्स किया। लाइक तनु शर्मा ने बोला है, जाहिर सी बात है इतनी खुशी तो मायके जाने की ही होती है, आप लीव पे हो तो अभी रह भी होगी। फिर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ने बोला क्यूटी सो गॉर्जियस, अब अपनी नानी घर जा रही हैं। रेनू मैम, मेरी जो मैम है, उनका कमेंट आया इसकी एक्साइटमेंट तो सिर्फ मायके जाने की ही होती है। वर्षा मेहरा ने बोला है आप बहुत एक्सपर्ट हो दी एंड नाइस ब्लॉग, थैंक यू सो मच वर्षा। किंजल ब्लॉग ने बोला है दी दिखता इज सो क्यूट, मुझे किस करने का मन हो रहा है, थैंक यू। तो उतनी कॉमेंट्स तो एक्स्ट्रा भी थी, मैंने जिनने भी आंसर करा है सबकी आंसर सही है कि मायके जाने की खुशी होती है। ज्योति करिश्मा ने बोला है, प्रीति पाल बोल रही है मुरादाबाद जा रही है नानी के घर, एब्सोल्युटली राइट। सोमपुर खान ने बोला है मायका, यस करेक्ट। प्रीति शर्मा ने बोला है दीदी अब नानी घर जा रही है तो एब्सोल्युटली राइट। सिया शर्मा बोल रही हैं जोही दी बेसिकली नानी के घर जा रही है तो वो भी बिल्कुल सही बोल रही हैं। प्रीति सक्सेना ऑब्वियसली मायके जाने की खुशी है, ये आओ मुरादाबाद शहर आपका स्वागत करता है, आपसे मिलना है, लाइक मेरी फ्रेंड है प्रीति, उसने कॉमेंट आया है। निशु सक्सेना आप अपनी मम्मी के घर जा रहे हो मुरादाबाद, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। सो अपने फुल से जाना और डेफिनेटली ब्लॉग में जो खुशी है मेरे चेहरे पर सब लोग देख के बताने गए कि हाँ यार लड़की अपने मायके जा रही है और देखिए अपनी नानी के घर जा रही है पहली बार। मेघा सक्सेना का मैसेज आया मायके जा रही हो, आई मीन अब तो पहुंच भी गई होगी, कॉल इतनी एक्साइटमेंट तो मायके जाने की होती है। ओ माय गॉड, सबने पहचान लिया सबने। प्रिया सिंह मेरी फ्रेंड है दित्या की नानी के घर, गैस। सुरभि शर्मा नानी घर, गैस। रागनी शर्मा नानी घर, दित्या की एब्सोल्युटली राइट। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कह रही है मुरादाबाद, गैस डियर। जरीन मलिक मम्मी के घर, हाँ जी मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ। सुशील पारिक आप अपने मायके जा रहे हो, येस। सिस्टा मेरी कलीग है नानी के घर, येस सिस्टा एब्सोल्युटली राइट। कौशल शर्मा नानी घर और पूजा उपाध्याय मायका यूपी, ब्लॉगर शक्ति मिश्रा मुरादाबाद, ये मेरी को रिलेटिव है, एंड नेहा शोएब मुरादाबाद, ये। तो गाइस इतनी सारे कमेंट्स आई हैं और सबने एकदम करेक्ट पे जाना है, स्क्रीन शॉट हो सकता तो मैं डाल दूंगी। थैंक्स टू यू ऑल एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। गाइस मैं तो मायके आई हूँ दित्या को लेकर पहली बार और दित्या का बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ है, जो ब्लॉग इससे पहले ऑलरेडी आ चुका होगा तो उस ब्लॉग को चेकआउट करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही प्यारा छोटा सा प्यारा सा वेलकम किया है मेरी मम्मी ने दित्या का और दित्या के मामू ने फूलों से सजाकर, बहुत ही प्यारा सा, आप लोग जरूर देखना वो ब्लॉग, वहाँ पर भी कॉमेंट करना बताना कैसा लगा आपको वाला ब्लॉग। और हमने डिनर विनर कर लिया है गाइस, मम्मा जितना भी ग्रॉसरी का सामान लेके आई थी वो सब किचन में अरेंज कर रही हैं। सेकंडली कल मम्मा और भाई का नवरात्रि का फास्ट है तो कल सुबह उसकी कतली बनेगी, बीजे कतली और ग्यारी वगैरह होगी तो वो सब तैयारियाँ कर उसकी तैयारी कर रही है। मेरा कोई फास्ट नहीं होगा कल क्योंकि मैं मेरी अब शादी हो चुकी है और मेरी ससुराल में ये नवरात्र नहीं होते हैं, ये वाले जो नवंबर अक्टूबर में होते हैं ना उधर वाले नवरात्र होते हैं, ये वाले नवरात्र मेरे ससुराल में नहीं होते हैं, इसलिए मेरा कल फास्ट नहीं होगा। सो या आज का ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ज्योति _उपाध्याय_शंकर, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो माई डॉटर दित्या शंकर। गाइस यू वॉन्ट लीव, उसकी 3 वीडियोज वायरल हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मेरी बेटी को भी फॉलो कर सकते हैं official_दित्या_शंकर, वो मेरी बेटी का अकाउंट है। और ऐसे हम लोगों को प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस ब्लॉग को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और क्योंकि अपने मायके में हूँ तो अभी तो मैं रेस्ट मोड पे थी अभी आज तक तो खास करके, और आज का पूरा दिन तो मेरा बेटी के साथ ही गया है, उसके रोज मुझे सूरत ही, मुझे बहुत डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि तबियत खराब हो जाए ज़्यादा, तो मैं पूरे मैंने फ़ोन ही अब उठाया है सुबह से, मैं फ़ोन ही यूज़ नहीं कर रही थी, फोन नहीं तो टाइम नहीं मिला, मैं उसी के साथ थी सुबह से। तो या अभी बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि डॉक्टर ने कहे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो मेरे फाइनली चेहरे पर चमक आ गई कि फाइनली मेरी बेटी ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो गई थी यार क्योंकि नानी घर आई हुई है, मुझे लगा कि तबियत खराब हुई तो टेंशन में आप समझ सकते हो। फाइनली आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड, या वेल मैं थोड़ा एक्टिव मोड में आ रही हूँ धीरे धीरे, तो मुझे मेरी सारी फ्रेंड्स जितनी मुरादाबाद में हैं उन सबसे मिलना है मुझे एक एक करके, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। अपकमिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं और इस संडे अपकमिंग संडे का भी ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ बिकॉज कुछ है मेरे घर पे, तो वो ब्लॉग भी आएगा इसके बाद, तो मतलब बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून गाइस और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे को बहुत सारा प्यार देना, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट कर दिया करो गाइस प्लीज, कमेंट भी कर दिया करो, आप लोग देखते हो मेरा ब्लॉग तो लाइक और कमेंट तो कर दिया करो, उससे क्या होता है ना मोटिवेशन आता है, तो बहुत सारे अपकमिंग ब्लॉग्स बनाने में बड़ा मजा आता है मेरे को। मेरा ब्लाउज कलेक्शन भी आने वाला है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट गाइस ब्लाउज कलेक्शन पार्ट 3, फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को जैसा प्यार दिया थर्ड को भी वैसे ही देना। ओके बाय बाय, आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग।